हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कोलड्रा में डिस्को लाइट कैसे बनाते हैं। तो मैंने अपने लैपटॉप पर पहले से ही कोरल को ओपन कर रखा है, तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको सर्कल टूल को सिलेक्ट करना है, जिसकी शॉर्टकट की है F7। तो सिलेक्ट करना है और कंट्रोल दबाकर इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। करने के बाद आपको उसे सिलेक्ट करना और शिफ्ट प्रेस करके आगे की ओर मूव करके राइट क्लिक दबा के छोड़ देना है। अब आपको कंट्रोल आर करना है, जिससे आपकी कॉपी होती जाएगी। अब आपको इसको इस तरह से लेके आना और फिर आपको नीचे भी इसी तरह से कॉपी कर लेनी है। अब आपको इसको इस तरह से पैटर्न में बना लेना है और फिर आपको इसमें ब्लैक कलर करना है। करने के बाद आपको सर्कल टूल को सिलेक्ट करना है और एक बड़ा सर्कल बना लेना है। इस तरह से आपको एक सर्कल बनाना है। फिर आपको क्या करना है, विंडो में जाना है। विंडो में आने के बाद नीचे डॉकर में, डॉकर के बाद आपको इफेक्ट्स में, इफेक्ट में आपको दिखाई देगा लेंस। लेंस की शॉर्टकट की है Alt+F3, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सर्कल को सिलेक्ट करना है और यहाँ न्यू लेंस इफेक्ट पे क्लिक करना है। वो नीचे दिखाई दे रहा होगा, आपको फिर आई पे सिलेक्ट करना है। आई पे आने के बाद आपको यहाँ 100% दिखाई देगा, यहाँ आपको कम कर लेना। मैं यहाँ 45% कर देता हूँ। अब आपको व्यू पॉइंट और ओरिजिन पे सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ अनलॉक करके और अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपको सर्कल को उठा के बाहर ले आना है। बाहर लाने के बाद आपको ऊपर दिखने के बाद अनग्रुप, इसको अनग्रुप कर लेना है। अनग्रुप करने के बाद आपको इसको जो बैग में सर्कल बना हुआ है इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद सभी को सिलेक्ट करना और वेल्ड कर लेना है। करने के बाद आपको इसमें सर्कल टूल सेलेक्ट करना है और इसको इस तरह से एक सर्कल टूल बना लेना और इसमें ब्लैक कलर करना है। अब आपको बिट मैप में जाना, कन्वर्ट टू बिट मैप करने के बाद आपको रेजोल्यूशन आपको 300 करनी है और ओके कर देना है। इस तरह से ओके करने के बाद आपको बिट मैप में जाना है। मैप में आने के बाद आपको ब्लर दिखाई देगा, सिचुएशन ब्लर पे सेलेक्ट करना है। अब आपको इसको थोड़ा इस तरह से एडजस्ट करना है, इसको थोड़ा इस तरह से एडजस्ट करना और ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट प्रेस करके मूव करना है इस तरह से। ये थोड़ा आपको थोड़ा डार्क डार्क दिख रहा है, बीच में से इसको थोड़ा और लाइट कर लेना है। अब इसको सेंटर कर देना है। सेंटर करने के बाद आपको इसको थोड़ा और आपको कर देना। इस तरह से करने के बाद आपको इसमें आप कलर फिल करना है। मैं इंटरेक्टिव टूल से फिल करता हूँ, जिसकी शॉर्टकट की है G। इसको इस तरह से फिल कर लेना। इसमें मैं इसमें कर देता हूँ पिंक और इसमें मैं कर देता हूँ। इस ड्रॉपर आई से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं कलर। तो इसमें मैं कर देता हूँ थोड़ा डार्क सा ब्लैक। इस तरह से आपको तो अब आपको इसको सिलेक्ट करके प्लस का बटन प्रेस करना है और आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा ये ओरिजेंटल रोटेट, और इसको इस तरह से ओरिजेंटल रोटेट कर लेना है और इसमें कलर कर देना और शिफ्ट प्रेस करके पेज अप डाउन का प्रेस करना है इस तरह से। अब इसमें मैं कलर करता हूँ। अब यह नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा एक कलर का आइकन, इसे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको इसमें थोड़ा मैजेंटा कलर उठाना है और इसमें थोड़ा आपको लाइट करना है। अब यहाँ मैं इसको थोड़ा लाइट कर देता हूँ 40। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको डिस्को लाइट को बनाना है। तो ये बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके और ऐसी ऐसी ट्रिक सीख सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।